हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स जो इंडिया ने आज तक किए हैं, एवरी सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। अरे चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है कि उरी में 3 मिनट में 17 ग्रेनेड्स गिराकर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारे देश के लिए लड़ने वाले 19 जवानों को बेरहमी से मार दिया था। लेकिन इस खौफनाक मंजर का बदला इंडिया ने पाकिस्तान के 7 लॉन्च पैड तबाह करके 35 से 70 टेररिस्ट की लाशों का ढेर खड़ा कर सिर्फ 4 घंटों में ले लिया। पर हमारा इंडिया सिर्फ दुश्मन को जवाब देना ही नहीं जानता, बल्कि 2016 में इंडिया ने पाकिस्तान हमले के बाद अपनी छाती ठोककर हमारे बॉर्डर पर दुश्मन यानी पाकिस्तान को फोन करके इस हमले की खबर दी। और इसका खुलासा पीएम मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे, उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो। पर सिर्फ उरी ही नहीं, उसी के तरह पुलवामा अटैक में मारे गए 44 जवानों की लाशें देखकर जो पूरा भारत रो पड़ा था, तब हमारे इंडिया के ऑपरेशन बंदर ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजाकर पाकिस्तान में ऐसे धमाकों की गूंज फैला दी थी जो आज भी सुनाई देती है। लेकिन इंडिया का एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक भी है जो शायद किसी ही हिंदुस्तानी को पता भी हो। लेकिन आज मैं आपको उस सर्जिकल स्ट्राइक के सच से भी वाकिफ कराऊंगा इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड एवरी सर्जिकल स्ट्राइक डन बाय इंडियन गवर्नमेंट। नंबर 1, उरी सर्जिकल स्ट्राइक। तो उरी अटैक के बाद हुए इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, तो इंडियन आर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन इंडिया ने टेररिस्ट की तरह इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। इंडिया ने अपनी छाती ठोककर सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की खबर पाकिस्तान के मिनिस्ट्री को ही दे दी। भैया, हमने आपके देश में घुसकर टेररिस्ट को मार गिराया है और आप आकर इनकी लाशें ले जा सकते हैं। वो मानते ही नहीं है ना। आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। Now that's pretty bold of India, right? पर किसी कहानी को पूरा जानने के लिए कहानी की शुरुआत से उसे जानना जरूरी है। और इंडिया के इस बदले की कहानी शुरू हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के उरी सेक्टर में, जहां 4 जैशे मोहम्मद टेररिस्ट्स ने इंडियन आर्मी के 12th ब्रिगेड पर 18 सितंबर को रात के अंधेरे में हमला कर दिया था। ये हमला रात के 5:30 बजे करने वाले कायर टेररिस्टों ने 3 मिनट में सोते हुए इनोसेंट जवानों पर 17 ग्रेनेड्स को गिरा कर किया था, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए थे, साथ ही करीबन 20 जवान घायल हो गए थे। और शहीद होने वाले जवानों में डोगरा रेजिमेंट 10 बटालियन के 3 जवान और बिहार रेजिमेंट 6 बटालियन के 16 जवानों की जान जा चुकी थी। ग्रेनेड के धमाकों से 150 मीटर के रेडियस में फैली आग, जिसमें झुलसकर 13 जवान मारे गए थे और कईयों को बहुत चोट आई थी। ऐसे में अपने जवानों को मरता हुआ देखकर भी बाकी जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और इस दौरान चली 6 घंटे की फायरिंग में इंडिया के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 4 ही टेररिस्ट की लाशें बिछा दी। लेकिन हमारे भारत के बेटों को खोने का दुख इन 4 कायर टेररिस्टों को मार कर कम नहीं हुआ था, क्योंकि ये बात इंडियन गवर्नमेंट, हमारे आर्मी और इंडिया के लोगों को समझ आ चुकी थी कि जब तक पाकिस्तान के टेररिस्टों को उनकी ही भाषा में जवाब न दिया जाए, तब तक वो सुधरेंगे नहीं। और इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट और आर्मी ने एक बड़ा कदम उठाया। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवानों को स्ट्राइक की प्लानिंग करने की पूरी छूट दे दी और इंडिया ने इस अटैक की जिम्मेदारी घातक प्लाटून, जिसमें 20 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स यानी कमांडिंग कैप्टन, 2 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, स्पेशल टीम जैसे मार्क्समैन एंड स्पॉटर पेयर्स, लाइट मशीन गनर्स, मेडिक एंड रेडियो ऑपरेटर जैसे सोल्जर्स को सौंप दिया, जिनमें 10 डोगरा और 6 बिहार बटालियन के जवान भी शामिल थे। और इन जवानों ने अपने साथियों का बदला लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। 28 सितंबर 2016 की रात 12:30 बजे हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को शुरू किया, जिसमें सबसे पहले कमांडोज को LOC पर एयरड्रॉप किया गया, जहां से फिर हमारे जवान पाकिस्तान में 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे और उन्होंने एक जगह नहीं, पाकिस्तान के भिम्बर, हॉट स्प्रिंग, केल एंड लीपा सेक्टर्स में हमला करके इंडिया में टेररिस्ट के घुसने वाले 7 लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। इस हमले के दौरान हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हुआ था और हमारे जवानों ने
4:30 तक इंडिया की सीमा में बढ़कर इस मिशन को पूरा भी कर दिया था। साथ ही जैसे मैंने बताया था, इस हमले में 35-70 टेररिस्ट मारे गए थे। वहीं हमारे सारे ही जवान सही सलामत लौट आए, जिसके बाद इंडिया के इस बड़े कदम का सम्मान इंडिया के लोगों ने ही नहीं दूसरे देशों ने भी किया था। और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तो इस मिशन के बाद ये तक कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया को ये क्लियर मैसेज मिलता है कि हम हमारे यहाँ और बॉर्डर के पार जहाँ भी जरूरत पड़े टेररिस्ट को खत्म कर करी रहेंगे। अच्छा। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनमो के बारे में बताना चाहता हूँ, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है। और इसमें आप अलग अलग एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। और तो और आपको इसमें फॉरेन करेंसी जैसे कि यूरोस और डॉलर में भी 90% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या नीचे जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोकस सही निकला। अब ये अमाउंट आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो आपको डबल मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 400 रुपए डाला तो आपको डायरेक्टली 800 रुपए मिल जाएंगे। So, description में दिया गया है लिंक, जाओ डाउनलोड करो बायनमो ऐप और डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड लर्निंग न्यू स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि किसी भी टाइप के ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क पर होता है, और इसीलिए जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपका ज्यादा कैपिटल लगा, और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और मनी अर्निंग स्किल भी बढ़ेगी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड बायनमो नाउ। आई एम अ बायनोमिस्ट, आर यू? नंबर 2, ऑपरेशन सनराइज। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया का ना तो इकलौता सर्जिकल स्ट्राइक था ना ही पहला, क्योंकि 4 जून 2015 में मारे गए जवानों के परिवार के साथ मणिपुर में बहे जवानों के खून से देश के हर घर में मायूसी छाई थी। लेकिन जहां देश के 18 जवान देश के लिए कुर्बान हुए थे, वहीं हमारे बाकी आर्मी जवानों ने उनका खून बहाने वाले टेररिस्ट को चुन चुन कर मारा था। और इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया मणिपुर में इंडियन सोल्जर्स पर हुए अटैक से, जहां 30 टेररिस्ट ने हमारे जवानों को अपने घिनौने अपराध का शिकार बनाया था। और इसके लिए टेररिस्ट ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया था। पर ये टेररिस्ट आए कहां से थे? वेल, इन 30 में से 17 टेररिस्ट कैंगले यवोल कैनालूप यानी मणिपुर के सेपरेटिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे, और 13 टेररिस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के सेपरेटिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे। और 2015 में ये अटैक 1993 के बाद हुआ ऐसा पहला हमला था जहां इंडिया के इतने सारे जवान शहीद हुए थे। तो इंडिया अपने जवानों के शहीद होने के बाद चुप कैसे बैठ सकता? इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने टेररिस्ट को एक इंडियन जवान की जान की कीमत कितनी ज्यादा है ये समझाने और उन्हें करारा जवाब देने का प्लान बनाया। और हमारे जवान, जिनमें स्पेशल फोर्सेस भी शामिल थी, पूरी तरह इस काम में जुट गए ताकि देश के शहीद जवानों को इंसाफ मिल सके। पर इंसाफ का ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था, और इसीलिए जवानों को इस काम में 3 दिन लग गए। पर 7 जून को उनके हाथ एक टेररिस्ट की बॉडी लगी, और यहीं से जवानों को बाकी के आतंकवादियों का मैसेज भी मिला, जिसे हमारे जवानों ने जब इंटरसेप्ट किया तब उन्हें पता चला कि बाकी के टेररिस्ट म्यांमार में छुपकर बैठे हैं। पर अपने देश के लिए और अपने शहीद भाइयों के लिए हमारे जवानों ने सरहद को भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। खुद पीएम मोदी ने म्यांमार के अथॉरिटीज की मदद ली, और इस मदद के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन सनराइज। और जवानों को देश की रक्षा के लिए दिए गए हर मिशन की तरह ये मिशन भी आसान नहीं था, पर फिर भी हमारे देश के जवानों ने 3 अलग अलग ठिकानों पर मौजूद टेररिस्ट को टारगेट किया, जिनमें से एक था नकलाख जो इंडिया के नागालैंड स्टेट में मौजूद है, और दूसरा था मणिपुर स्टेट का छसाड़, और तीसरा ठिकाना था हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के बॉर्डर के अंदर मौजूद ओंजिया। इन जगहों पर घुसकर हमारे सोल्जर्स ने मिशन को रात के 3 बजे अंजाम दिया, और सिर्फ 45 मिनट में हमारे देश के जवानों ने सारे टेररिस्ट को अपने जवानों के खून को बहाने का नतीजा अच्छे तरीके से समझा दिया। इस जंग में मिलिट्री ऑफिशियल्स के हिसाब से 30 से 50 टेररिस्ट को मार गिराया था। वहीं अगर मैं हमारे जवानों की बात करूं, तो हमारे सारे ही जवान सही सलामत अपने देश में लौट आए। और इंडिया के मेजर जनरल रणबीर सिंह के मुताबिक ये बात भी सामने आई थी कि मणिपुर की तरह ही ये टेररिस्ट इंडिया के और भी ठिकानों पर हमला करके कई लोगों की जान लेने के फिराक में थे, लेकिन इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से इनके सारे प्लान्स नाकामयाब हो गए। नंबर 3, ऑपरेशन बंदर। अब फ्रेंड्स, बारी आ गई इंडिया के उस सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने इंडिया के 44 जवानों की जान के साथ खिलवाड़ किया था।
और इसका जवाब इंडिया ने 400 टेररिस्टों को मार गिरा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक की, जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के एक टेररिस्ट ने आत्मघाती यानी खुद को बॉम्ब के साथ उड़ाकर हमारे 44 CRPF जवानों को मार डाला था और इस दौरान 20 जवान घायल भी हो गए थे। इस हमले में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी सुइसाइड बॉम्बर ने 80 किलो के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया था और उसने ये पूरा 80 किलो एक्सप्लोजिव एक SUV में रखा था। इसे चलाकर वो अपने घर को लौट रहे सैनिकों के काफिले के बीच में घुस गए और फिर उसने दोपहर के 3 बजे काफिले के बीच बॉम्ब गोड़ा दिया। लेकिन हमारे देश के जवानों की जान से खेलने वाले टेररिस्ट को इंडिया अब कहां माफ करने वाली थी। और ये बात इंडिया ने पहले ही 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स करके दुनिया के सामने आईने की तरह साफ कर दी थी। पर इसके बावजूद सुधरने की बजाय JEM यानी पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को जिहाद के नाम पर पालने वाले इस ग्रुप ने इंडिया से दुश्मनी मोल लेने की गलती कर दी और अपने देश के लोगों के रोते दिलों को सहारा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये नारा दिया कि मैं देश को ना मिटने दूंगा, ना झुकने दूंगा और ना ही रुकने दूंगा। अब अपनी इसी बात को पूरा करने के लिए PM ने इंडिया के जवानों को स्ट्राइक करने की जगह कैसे हमला होगा और कितना भयानक होगा सब कुछ डिसाइड करने की छूट दी, ताकि हमारे देश के जवान JEM के लीडर मोहम्मद मसूद अजहर को करारा जवाब दे सके। और हमारे जवानों ने यही किया। उन्होंने हमले के सिर्फ 12 दिन बाद ही अपना जवाब ऑपरेशन बंदर के तौर पर पाकिस्तान के JEM और दुनिया भर के टेररिस्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि 26 फरवरी 2019 की सुबह इंडिया की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद JEM कैंप्स पर अपने 12 IAF मिराज 2000 फाइटर जेट से बॉम्ब्स की ऐसी बारिश की जिसकी गूंज पाकिस्तान के कोने कोने में गूंज उठी और इसमें 300 टेररिस्ट मारे गए, जिनमें सिर्फ टेररिस्ट और उनके ट्रेनर्स ही नहीं, कई सीनियर कमांडर्स और जिहादी टेररिस्ट भी मारे गए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, JEM को लीड करने वाले मोहम्मद मसूद अजहर के दो भाई यानी इब्राहिम अजहर और मौलाना तलहा सैफ का भी खात्मा इसी एयर स्ट्राइक के चलते हुआ। अब इस तरह इंडिया ने 40 जवानों को खोकर 400 टेररिस्ट का खून बहाने वाले इस ऑपरेशन बंदर को पूरा किया और आने वाले कल में भी इंडिया इसी तरह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देता रहेगा, जब तक हमारे देश के दुश्मनों को ये बात समझ ना आ जाती कि अब इंडिया ना तो रुकेगा और ना ही किसी के आगे झुकेगा और ना ही इंडिया अपने किसी जवान या अपने जनता के खून बहने पर चुप रहेगा। अब फ्रेंड्स, क्या आप भी करंट सरकार की इस नीति से सहमति रखते हो? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले हमारे इंडियन आर्मी की वीरता के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था, मजा आ रहा था सुनने में। और मैं तो कह रही हूँ कोई एक का बदला, अब तो एक टेररिस्ट भी कुछ ऐसे करे तो इसी टाइप का रिस्पॉन्स देना चाहिए, ताकि अब कहाँ पे सोचते भी नहीं, मतलब वेट मत करिए, इंटेलिजेंस ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बात होगी कि पहले वो अटैक करेंगे फिर हम बदला लेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अग्रेसर नहीं है, मगर इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर जो भी बॉर्डर क्रॉस करके आता है पहले ही उसको मतलब उड़ा देना चाहिए, इससे पहले कि वो कोई डैमेज करे कंट्री में। और अगर ऐसा कुछ हो कि वो डैमेज करे तो कर अंदर तो जाके अंदर उनकी जहां से वो आया था उस जगह अंदर घुस के उसका सारा सोर्स खत्म कर दो। वही इंडिया कर रहा है, तो तभी तो पाकिस्तान जो है घबराया हुआ है और तभी तो उनको तकलीफ हो रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है मोदी जी के ऊपर अटैक कर दें। समझ तो आ ही रहा है ना हमें, क्योंकि देखो कितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस मोदी जी ने लिए हैं और उनको पता है कि ये मोदी जी हैं या इस छोड़ेंगे नहीं इनको। हाँ, मतलब जो भी है, मतलब पॉइंट ये है कि वो लोग देख रहे हैं, अब उनको नजर आ रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही स्मार्ट है। तो हर एनिमी कंट्री कोशिश करेगी कि उसके लीडर को आप हटा किसी तरह से हार्म करें, इंडिया को किसी तरह से नुकसान पहुंचे। हर एनिमी का यही होता है, जो बुरा एनिमी है, जो दोस्त है वो तो दोस्त है, मगर जो बुरा एनिमी उसको यही होता है कि उस कंट्री का अगर कोई अच्छा लीडर आ गया तो उसको हटाया जाए। और बहुत अच्छी बात है कि आज की गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सेज दिए हैं। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई बंदा अंदर आके कुछ कर ही ना पाए, पहली बात तो।
और उसके बाद जब पकड़ते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं तो सोर्स को भी जाइए और न्यूट्रलाइज कर दीजिए, तो काफी अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।